हाय नमस्ते। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ पुणे में तो बहुत सारे लोकल सर्विस सेंटर वाले या लोकल लोग हैं जिनका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कुछ स्टेटस नहीं है, वो लोग बहुत कम रेट में या फिर क्लाइंट को गुमराह कर रहे हैं कि एक्चुअली सर अगर किसी का सपोज मान लीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, किसी की अगर टीवी 15 इंच का सोनी का और उनका अगर बैकलाइट खराब है तो एक्चुअली क्लाइंट दो तीन जगह इंक्वायरी करता है जनरली कि क्या प्रॉब्लम है, क्या जो भी है। तो कुछ लोकल लोग हैं ना, जो कि लोकल टेक्नीशियन है, जनरली बोलते हैं सर नहीं नहीं इसको तो 3,000 खर्चा आएगा, हम घर पे आके रिपेयर करके देंगे और वारंटी भी आपको 1 साल का देंगे और ये सारी चीज़ें बहुत कम रेट में करते हैं। वो लोग क्या करते हैं जनरली, उसका बैकलाइट रिप्लेस नहीं करते, उसको बैकलाइट को डायरेक्ट किया जाए या उसके कुछ एक दो पर्टिकुलर छोटे से कंपोनेंट गए ना वो रिप्लेस किए जाएंगे और वो लोग 1 साल का वारंटी देने की बात ही नहीं रहती क्योंकि उनका हर 2-3 महीने में नंबर चेंज होता रहता है, उनका ना सर्विस सेंटर रहता है ना कुछ रहता है, बस वो कुछ हर 2-3 महीने में फ़ोन चेंज करते रहते हैं, बहुत गिरा के काम करते हैं। और जब क्लाइंट नेक्स्ट टाइम जब 2 हफ्ते में टीवी उनका प्रॉब्लम होता है तो जब कॉल करता है तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो एक्चुअली मतलब जनरल सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप किसी कभी भी कोई प्रोडक्ट रिपेयर करना चाहते हो तो रेट की तरफ ना देखिए, क्योंकि शायद आपका अगर इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, 70-80 हज़ार रुपये का टीवी है, तो उसमें अगर 10-12 हज़ार रुपये किसी ने आपको कोट किया है, खर्चा बताया है, तो ऑलरेडी वो पार्ट अगर जेन्युइनली रिप्लेस करते ना तो उतना एक्सपेंसिव, उतना खर्चा उसको आता है। तो जो लोकल वाले लोग होते हैं ना, शॉर्टकट में करके देंगे सर वारंटी। और मेरे हिसाब से कोई भी जेन्युइन कमर्शियल काम करने वाले लोग, कमर्शियल काम करने वाली कंपनी आपको 3 मंथ से ज़्यादा अगर वारंटी दे रही है तो इसका मतलब वहाँ पे चीट है, वहाँ पे कुछ ना कुछ धोखा है। क्योंकि कमर्शियल कंपनी LG, सैमसंग, सोनी जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर आपको 3 मंथ वारंटी दे सकती है तो लोकल आदमी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की वारंटी कैसे कह दे सकते हैं? अगर दे रहा तो वो चीट है, शायद उसका 3 महीने या 2 महीने बाद नंबर ही एक्टिवेट ना। तो एक्चुअली ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत बढ़िया तरह से काम करने वाले भी लोकल भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा जो कि आपको गुमराह करके, आपको कुछ रॉन्ग कमिटमेंट करके आपको उस टाइम में पैसे लेने का काम किया जाए। और इसके बावजूद भी आपको कभी लगे क्रिश्चियन सर्विस सेंटर इज बहुत बड़ा ब्रांड, उभरता हुआ ब्रांड है, कभी आपको एक बार आजमाना चाहते हो, कभी कुछ हेल्प लगे आपको टीवी रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो एक बार आप श्योरली क्रिश्चियन सर्विस सेंटर को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।